चल मना रे, आँख बना ले, महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क तब दे आ पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। सब कुछ है यही रह जाना, जिद बना दे, जीद करा दे, यार मेरा साया, नांझड़ मेरा, माही मेरा, ढोल मेरा साया। एक जॉब है पर तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी जॉब? जो वैकेंसी है वो आबिद की सेक्रेटरी की है। बाप, झगड़ा मैं नहीं, झगड़ा वो खुद है। हर बात पे कर दिया पर मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। आपसे मिलना, आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मालकन, सर जी कम से कम आपको बताना तो चाहिए था ना कि आप हमारे सीनियर अफसर रहे हैं। इससे भला क्या फर्क पड़ता? तुम्हें यहां पर ज़ेबनिसा बेगम ने रखवाया है, तुम उनके खिलाफ कभी भी दरखास्त नहीं कबूल करते। सर जी ये दूसरी बात है, आप तो जानते हैं कानून में और भी बड़े तरीके हैं काम निकालने के। एएसपी साहब कब तक आएंगे? आधा घंटा हो गया जी, हेड ऑफिस से निकले में बस पहुंचने वाले होंगे। सर जी जरा मेरा ख्याल कीजिएगा, साहब से कोई ऐसी वैसी बात ना कीजिएगा। हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसर आप जाइए, मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं बुला दूंगा। सर थैंक यू जी। अंकल हुक्म कीजिए। भैया मिसेस रफत हैं, मरूम हाशिम खान की बेवा, मैंने जिक्र किया था ना तुमसे। जी जी बिल्कुल, बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ। 18 साल पहले ज़ेबनिसा बेगम ने इनकी बेटी महनूर को इनसे छीन लिया था, अभी उसे वापस लेना चाहती हैं। इस सिलसिले में उन्हें लीगल नोटिस भी भेज दिया गया है, जिसकी वजह से इनके वकील को धमकियां मिल रही हैं, उनकी जान को भी खतरा है। तो ज़ेबनिसा इनकी बेटी क्यों छीनना चाहती है? एक्चुअली इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मानू जो है वो ज़ेबनिसा बेगम की पोती है। बड़ी मालकन बिलाखिर राजी होगी। यार मेरे शुक्रिया तो तुम्हारा अदा करना चाहिए, अगर तुम हमारी मदद ना करते तो ये जंग हम हार चुके थे। इब्तदाई रिपोर्ट बताती है कि यह हादसा नहीं था बल्कि सोचा समझा मंसूबा था। मुझे इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं, आप इसकी तफ्तीश बंद करके इस केस को कत्ल नहीं हादसा करार दीजिए। जितनी जल्दी मुमकिन हो इस जगह को छोड़ दो। अपने गार्ड्स को कह दे कि मुझे ना रोके। अगर तुमने यहां से जाने का सोचा भी ना तो तुझे तेरी बेटी से अलैदा कर दूंगा। मेरी बच्ची, छोड़ो मेरी बच्ची को, छोड़ो मेरी बच्ची को। आपकी मदद के बगैर मैं हवेली में दाखिल नहीं हो सकती हूँ। मुझे पूरा यकीन है मानूर अगर मुझे देखेगी तो सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाएगी। देखिए बीबी, एक रिस्की काम है और मुश्किल भी, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। मेरा मशवरा है कि आप एक एप्लीकेशन जमा करा दें। एप्लीकेशन तो रेडी है, बस आपका ही इंतजार था।
ठीक है, तो एक दो रोज में चलते हैं मैडम की तरफ। अरे आप अभी तक बैठे नहीं? नहीं, थैंक यू। असल में ये वक्त खान साहब के सूप पीने का होता है। मुझे सब कुछ देखकर अच्छा भी लग रहा है और हैरत भी हो रही है। क्यों, हैरानगी क्यों? यही कि आप इतनी बड़ी रियासत की मालकिन होने के बावजूद भी अपने शौहर का इतना ख्याल रखती हैं। मैं इनकी बीवी हूं, फिर क्या हुआ? अगर रियासत की मालिक हूं तो हूं तो इनकी बीवी। बहुत अच्छे ख्याल आते हैं आपके। थैंक यू। अच्छा कहिए, कैसे आना हुआ? एक्चुअली DIG साहब ने हिदायत दी थी कि जैसी जॉइनिंग दूं तो आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं। लेकिन ज्वाइन किए हुए तो आपको एक हफ्ता हो गया और हमसे पहले आप हमारे दुश्मनों से मिल लिए। ना समझा नहीं? समझ तो आप गए। आप कहीं मिसेज रिफत की बात तो नहीं कर रही जो आपकी बहू है? नहीं, वो मेरी बहू कभी नहीं थी। कि अफसोस तो ये है कि आपने हमारे खिलाफ उसकी दरखास्त कबूल कर ली। किसी को दरखास्त देने से नहीं रोका जा सकता मैडम। फाड़ कर फेंक दीजिए दरखास्त, ये तो आपके हाथ में है। ठीक है मैडम, मैं वो दरखास्त फाड़ देता हूँ, आप उनकी बेटी वापस लौटा दें। ASP साहब, जिस सीट पर आप बैठे हुए हैं ना, ठीक 18 साल पहले इसी सीट पर एक DSP आकर बैठा था और उसने भी इस औरत का साथ दिया था। उसका अंजाम जरा जाकर अपने सीनियर से पूछिए। मैं जानता हूं मैडम, आप DSP आरिफ की बात कर रही हैं, वो मेरे अंकल हैं। देखिए मैडम, मुद्दे की दरख्वास्त पर कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये आपके घर का मामला है, बेहतर यह है कि आप लोग आपस में बैठ कर तय कर लें। ASP अपने लिमिट्स में रहो। जिस सीट पर तुम बैठे हो यहां पर आते तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाते मेरी मर्जी से। थैंक यू मैडम, मैं ट्रांसफर ऑर्डर का वेट कर लूंगा। गुड इवनिंग। ओए DSP साहब, मैं अकेला बैठा हूं, मेरा ख्याल है मैं इनसे अभी मिल लेना चाहिए, बाद में मौका मिले ना मिले। मिल ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ, हमें एक असाइनमेंट मिली है जिसमें हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। तशरीफ रखिए। थैंक यू सर, बैठो। सर ये मेरा दोस्त है दिलावर, ये इस असाइनमेंट में मेरी हेल्प कर रहा है। और आपके असाइनमेंट का टॉपिक क्या है? सर मुझे खान खानदान की तारीख और किरदार पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है, तो इस सिलसिले में मुझे आपकी मदद चाहिए थी। लेकिन मेरा तो खान खानदान से कोई रिश्ता नहीं। सर लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक तो आप ज़ैब-उन-निसा के बेटे आशिम खान के बहुत करीबी दोस्त रहे। आशिम खान ने रिफत नामी एक औरत से मोहब्बत की शादी की थी और ज़ैब-उन-निसा बिल्कुल उनके खिलाफ थी
कुछ अरसे बाद आशिम खान का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी मौत हो गई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उनका कत्ल किया गया था और उस वक्त ये केस आपने हैंडल किया था। लेकिन इस बात को तो बहुत अरसा बीत गया। आशिम खान के कत्ल के बाद मेरा तबादला हो गया था, उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। सर आप बहुत कुछ जानते हैं। ज़ैबुन निसा ने इरफत की बेटी छीन ली थी और जब आपने उनकी हेल्प की तो आप पे कातिलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में आज आप इस स्टिक के सहारे जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत कुछ जानते हैं आप, तो फिर तो ये भी जानते होंगे कि उसके बाद मेरी रिटायरमेंट हो गई थी और उस प्रोजेक्ट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। लेकिन सर आप रिफत मैडम के बारे में तो जानते होंगे कि वो कहाँ है। आप अहमक हैं या मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि आप दोनों को ज़ैबुन्निसा बेगम ने भेजा यहां पे? नहीं नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मेरी तो आज तक ज़ैबुन्निसा से मुलाकात तक नहीं हुई। शट अप, जस्ट शट अप। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला के आप दोनों को गिरफ्तार करवा दूं, गेट आउट। सर आप गलत समझ रहे हैं, मुझे उन्होंने नहीं भेजा। गेट आउट। सर प्लीज मुझे 5 मिनट दे दें, सर मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। गेट आउट। गाइस यार तू इतना बड़ा फट्टू निकलेगा मैंने सोचा नहीं था, मुझे पूरी बात तो करने देता। तू क्या चाहता है, गार्ड्स हमें जूते मारकर बाहर निकालें? देखा नहीं उसने गार्ड्स को कॉल भी कर दी थी। अंधी लगी है क्या, कोई हाथ तो लगा के देखता। मैंने ना तुझे लाके बहुत बड़ी गलती की है। और इससे बड़ी गलती मैंने की है, चीटिंग के केस में दोनों अंदर हो जाते। लेकिन यार मुझे एक बात समझ नहीं आई, रिफत मैडम का पता पूछने को इतना भड़क क्यों गया था? तो तू क्या चाहता है, तेरे फौरन पता करने पर रिफत बेगम का एड्रेस दे देते? यार मुझे तो लग रहा है कि उसकी अभी भी ज़ैबुन्निसा से कोई गड़बड़ चल रही है, वरना वो इतना गुस्सा नहीं होता। हो सकता है। शुरू में तो अपने शौहर की खिदमत करते देखकर मैं मैडम से बड़ा इम्प्रेस हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने जागीरदाराना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मुझे आपके अंजाम से सबक हासिल करने का मशवरा दे रही थी। ओ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कोई फायदा नहीं है उनसे मिलने का, वो इतनी आसानी से किसी की बात नहीं सुनती। मुझे भी कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन कम से कम इतना हुआ कि मेरे मिलने से अब वो आप पर हाथ डालने से पहले 10 बार सोचेंगे। और फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी थी, अब वो कम से कम शिकायत तो नहीं करेंगे। एनीवे, अब तुम्हारा क्या इरादा? मेरा इरादा तो मैडम की दरख्वास्त पर एक्शन लेने का था, लेकिन जैसे मैं हवेली से निकला DIG साहब का फोन आ गया, बहुत भरम थे। ये दबाव मुझ पर भी डाला गया था, लेकिन हुमायूं तुम हार नहीं मानोगे। मैं किसी किस्म का दबाव नहीं लूंगा। मैंने DIG साहब को साफ साफ कह दिया मैं कानून के दायरे से बाहर कुछ नहीं करूंगा। मेरा मशवरा तो यह है कि आप कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन दायर कर लें। एक मां को अपनी बेटी से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। नहीं, अगर अर्जेंट हियरिंग की रिक्वेस्ट की जाए तो 1 हफ्ते का टाइम लगता है बस। यस, ही इज राइट। और एक दफा कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो गई तो ऑटोमेटिकली आपको कानूनी तहफ्फुज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर आरिफ भाई आप शकील साहब से कहें कि वो कल ही पिटीशन दायर करा दें। ठीक है, I'll do it.
पागल है? आपको पता है गुलबाबा मेरी मुसलसल निगरानी कर रहे हैं और आप इस तरह बेधड़क आ जाते हैं? ये तो आपको वहम है, मुझे तो आने में कोई परेशानी नहीं हुई, ना ही मुझे रास्ते में कोई गुलबाबा नजर आया और ना ही कोई गार्ड। आपको गुलबाबा का अंदाजा नहीं, वो सिर्फ मेरी वजह से आपको कुछ नहीं कहते। गुलबाबा जैसे नजर आते हैं ना वैसे बिल्कुल नहीं है। अम्मा जानी के कहने पर वो कुछ भी कर सकते हैं। गुलबाबा को मेरा अंदाजा नहीं, मैं अपनी बात का पक्का हूं, जिस काम का फैसला कर लू ना काम पूरा करके रहता। आपसे मिलने का वादा किया था तो हाजिर हो गया। जो भी कहना जल्दी कहिए, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती। वो आपके आरिफ अंकल का पता लगा लिया मैंने, मुलाकात हुई थी उनसे। आरिफ अंकल से कहाँ मिले आप? उनके ऑफिस में। कैसे हैं वो? फिटफाट दिख रहे थे। मामा का पता चला? नहीं, मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मेरा बताया? नहीं, उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। उनको मुझ पर शक था कि मुझे आपकी अम्मा जानी ने भेजा आपकी मामा का पता लगाने के लिए। अगर आप अपना दिल छोटा मत करें, मैं हूं ना। तो दिलावर घबरा गया था वरना मैं आपकी मामा का पता लगा ही लेता। दिलावर कौन? दोस्त है मेरा बचपन का, मगर थोड़ा सा बेवकूफ है। बेवकूफ किस तरह से? मतलब डरपोक है थोड़ा, लेकिन काम का बंदा। छोटी मालिकन, छोटी मालिकन। गुलबाबा आ गए, मैंने कहा भी था। ये गुलबाबा क्यों आ जाता है हर वक्त बीच में? आप प्लीज जाइए यहाँ से इससे पहले कि वो आपको देख ले। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, पहले आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप मुझसे मंडे को मिलेंगे। अभी तो जाइए। ओके, जा रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस मी कि आप मुझसे मंडे को मिलेंगे। अच्छा, प्लीज जाइए यहाँ से। ओके, बाय। छोटी मालिकन, छोटी मालिकन, आप इतनी रात को इधर क्या कर रही हैं? बस अभी अभी आई थी। लड़कियों को इतनी रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए। जी, उस कमरे में जा रही हूँ। एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। तेरा सारा आज की का भूत उतरेगा। चल। अदील रात भर घर नहीं आया, तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? जगा लेना था ना मुझे। अम्मा, मैं पूरी रात जागती रही भाई के इंतजार में, फिर मुझे पता नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। लेकिन सुबह जब मैं उठ के भाई के कमरे में गई तो वो कमरे में नहीं थे। तेरे बाबा को पता चलेगा ना तो बहुत हंगामा खड़ा करेंगे वो। तो बाबा को तो बताना पड़ेगा ना ये सब कुछ। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरा जो दिल चाहे कर। माँ, हौसला करें, भाई को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अरे कोई हादसा ना हो गया होगा। अल्लाह ना करे। अच्छा भी, मैं काम पे जा रहा हूँ। क्या बात है, ये दोनों माँ बेटियों के मुंह पर 12 क्यों बज रहे? वो अदील घर नहीं आया। क्या मतलब, कहाँ है वो? बाबा, मैं पूरी रात भाई का इंतजार करती रही लेकिन वो घर नहीं आए। जब सुबह उनके कमरे में देखा तो वो वहां भी नहीं थे। ये दिन तो आना ही था। जिस तरह उसकी आवारा गर्दियां बढ़ती जा रही थी, रातों को गायब तो होना ही था उसने।
आप जाए ना, अदील का पता करें, कोई मसला ना हो गया उसके साथ। उसके साथ क्या मसला होना है, वो तो खुद एक मसला है। लुच्चे लफंगों की तरह सारा दिन आवारा गर्दियां करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सड़कें नापता है। पड़ा होगा किसी दोस्त के घर पर। हाँ बाबा, भाई का एक दोस्त है ना दिलावर, दिलावर भाई के घर जाएं, पूछें उससे कि अदील भाई कहां पर है। तुम्हारा ख्याल है कि मैं लोगों के घरों पर जाकर पूछूं कि वो नवाब साहब कहां है? इस जिल्लत से तो मौत बेहतर है। वो जहां भी होगा वापस यहीं पे आएगा, कोई मुफ्त की रोटियां नहीं खिलाएगा इसको। बाबा मैं जाती हूँ दिलावर के घर, ढूंढ के लाती हूँ अदील को। नहीं अम्मा, मैं पड़ोस में किसी से कहती हूँ कि दिलावर भाई के घर जाएं और उसे लेकर आएं। या अल्लाह, मेरा अदील खैरियत से हो। आखिर ऐसी इमरजेंसी क्या हो गई है बताइए मुझे, कि दो चार महीने तो तारीख लेकर तुम गुजार सकते थे ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैडम, लेकिन अगर जज ने इनकार कर दिया तो, और उसने शॉर्ट ऑर्डर पास कर दिया तो। कैसा ऑर्डर? इस केस में रिफत बीबी की पोजीशन काफी मजबूत है, कोई भी कानून उन्हें अपनी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकता। और अगर महनूर अपनी माँ के साथ जाना चाहे तो कानून क्या कहता है? सॉरी मैडम, मिस महनूर 21-22 साल की हो चुकी है और वो अपने फैसले खुद करने के इख्तियारात रखती हैं। अगर कोर्ट में उन्होंने अपनी माँ के साथ जाने का बयान दिया तो कोर्ट उन्हें आपके साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकती। तो जब सब कुछ कोर्ट ने करना है तो मैं तुम्हें किस लिए पाल रही हूँ? ऐसी बात नहीं है मैडम, मैं तो आपको बस कानूनी पोजीशन। भाड़ में जाए कानूनी पोजीशन, आज तुम मुझे कानूनी पोजीशन बता रहे हो। सॉरी मैडम, वक्त बदल गया, नए नए नौजवान जज आ गए, किसी की भी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। मैं 3 दिन से जज साहब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो टाइम ही नहीं दे रहे। ये मेरा मसला नहीं, तुम्हारा मसला है। अगर फैसला मेरे खिलाफ हुआ तो तुम्हें भी मेरे इताब का शिकार होना पड़ेगा, ये अच्छी तरह से अपने जहन में रखो। मैडम मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मैं आपको एक कानूनी रास्ता बताना चाहता हूँ। बोलो, सुन रही हूँ। मानूर को उसकी माँ के पास जाने से रोकने का एक ही तरीका है। तुम रुक क्यों गए? आप इस मानूर की शादी कर दें। आपने ही तो बताया था उनका उनके कजन के साथ रिश्ता तय है। हाँ बिल्कुल ठीक सुना मैंने कहा था, लेकिन ये फौरी मुमकिन नहीं। मैडम अगर आप चाहें तो सिर्फ निकाह करवा दें, कागजी कार्रवाई पूरी करवा दें जो कानूनी तकाजों को पूरा कर दें। आप सोच लें, मैं पूरी कोशिश करूंगा केस डिले करने की। इजाजत चाहता खाला जी, मैं सच बोल रहा हूँ, मुराद कहाँ था मुझे नहीं पता। अलबत्ता वो बोलना तो रुक क्यों गया बता ना मुझे। हवेली ना गया हो शहजादी, मेरा मतलब है मानूर से मिलने। अगर वो हवेली गया था तो फिर आया क्यों नहीं? कहीं वहाँ, या अल्लाह। बहुत मना किया था मैंने उसे, 2-4 बार तो गुल बाबा ने भी उसको देखा है मानूर के साथ। गुल बाबा? ये गुल बाबा कौन है? बड़ी मालकिन का खास आदमी है, खानदानी नौकर है उनका। अगर उसने अदील भाई को मानूर के साथ देखा तो कुछ कहा क्यों नहीं? पता नहीं जी, अदील ने बताया था कि छोड़ दिया था मानूर की वजह से। मुझे लेके चला हवेली, मैं खुद जाके पता करूंगी। नहीं खाला, वो हवेली है, मेरा आपका घर नहीं कि कोई भी चला जाए पूछने। नहीं अम्मा, जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा हम हवेली नहीं जा सकते। पहले मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कहीं इधर उधर ना चला गया हो या फिर किसी परेशानी में ना हो। क्या और क्या हो सकता है? अल्लाह बेहतर जानता है। मैं किसी थाने से पता करता हूँ या अस्पतालों में चेक करता हूँ, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे बच्चे को कुछ। या अल्लाह, तो मेरे बच्चे की हिफाजत करना, मेरा तो एक ही एक बेटा है। दिलावर मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं रेता, तुम फला का ध्यान रखो, दुआ करना, मैं पता करता हूँ।
लेके आ मेरे बच्चे को, कहाँ चला गया वो? या अल्लाह किधर चला गया मेरा बच्चा? अरे मेरा तो एक ही एक बेटा है या अल्लाह, तू रही मैं तू रही मैं उसकी हिफाजत करना। अरे रिता किधर चला गया मेरा बच्चा? अल्लाह रखो अम्मा, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे अल्लाह मैं मर जाऊंगी, मेरा बच्चा लाओ। जिसका डर था बीजान ने आबिद खान की ना तजर्बे कारी और बचपन से फायदा उठाया, अपने फैसले उसके जरिए मनवा रही है। चंद दिन सब्र से तो गुजार लें आप। मैं 20 साल से सब्र कर रहा हूं लेकिन तुम्हारे बेटे से थोड़ा सा सब्र नहीं हो रहा। जानती हो उसने सेक्रेटरी किसको रखा है अपना? किसको? अच्छा वैसे तो तुम्हें फैक्ट्री की हर खबर होती है लेकिन अपने बेटे के करतूतों का कोई इल्म नहीं है। नहीं मगर इसमें गलत क्या है? सेक्रेटरी तो हर कोई रखता है अपने काम की जगह पर, आखिर वो मालिक क्या उस फैक्ट्री का? तो मैंने कब मना किया है? लेकिन उसने सेक्रेटरी मुनज़्ज़ा मुनज़्ज़ा शफी मोहम्मद की बेटी जिसे बीजान ने पाला है। लेकिन मुनज़्ज़ा को क्यों रखा? इस काम के लिए तो और बहुत सारी लड़कियां मौजूद, उन्हें रख लेता। फरजाना बेगम मुझे तो कोई और चक्कर लगता है। कई जगह दोनों को एक साथ घूमते देखा है लोगों ने। या अल्लाह ये आबिद को क्या हो गया? मानूर से तो ये आए दिन झगड़ा करता रहता है और उसी की कजन से दोस्ती कर ली। अक्ल नाम की चीज नहीं है इस लड़के में। तुम्हारा बेटा ऐसी हरकतें तो करेगा? समझाओ उसे, उसे कहो कि अपनी इन हरकतों से बना बनाया खेल मत बिगाड़े। आबिद तुम कहाँ जा रहे हो? हमने तुमसे जरूरी बात करनी। अभी अभी नहीं प्लीज, हाँ क्लब पहुंचना है, बाद में बात करते हैं। तुम मुझे इस बात का जवाब दो कि तुमने मुनज़्ज़ा को सेक्रेटरी क्यों रखा? मेरा आपको कहना भी टाइम नहीं है,
और वैसे भी ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि इसे अभी डिस्कस किया जाए। आबिद, तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हो क्या रहा है? हमी प्लीज, जाते जाते तो मूड मत खराब करें। देख लिया, ये है तुम्हारा बेटा जिसके लिए मैं 20 साल से इतने जतन कर रहा हूं कि बीजान की जागीर का वारिस बनेगा, ये आबिद खान। आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। मानूर तो आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। खामोश, छोटी मलकन का नाम अपनी जबान पर मत लाना। अभी ये जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये तो एक झलक है। आज के बाद अगर तुम छोटी मलकन के आसपास भी नजर आए ना, सलामत अली को तुम्हारा लाश भी नहीं मिलेगा। से ले जाकर बाहर फेंको। चलो। अरे गुल बाबा, थाने में चेक कर लिया, दोस्तों से पूछ लिया, यहां तक के अस्पतालों में भी देख लिया, अदील का कुछ पता नहीं लग सका। दो चार घंटे तो हवेली के बाहर भी खड़ा रहा, कुछ खास पता नहीं लगा, लेकिन कुल बाबा को दो चार दफा आते जाते देखा है। अरे तो बेटा, उस बाबा से ही पूछना था ना, शायद उसे कुछ पता होता। क्या पूछता उनसे, कि अदील मानूर से मिलने आया था और फिर गायब हो गया? आपको क्या लगता है, ये बात करने पे वो मुझे छोड़ देते? अगर भाई का कहीं से पता नहीं चल रहा तो वो हवेली ही गए होंगे, और उनके गायब होने का ताल्लुक भी हवेली से ही है। लगता तो मुझे भी खुशी हुई है। मेरा मशवरा है कि थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। नहीं, रिपोर्ट लिखवाने से पहले बाबा को सब कुछ बताना पड़ेगा। या अल्लाह, ये किस मुश्किल में डाल दिया तूने हमें। आप बोले तो मैं अंकल से बात करूं, दो चार थप्पड़ ही खाने पड़ेंगे। नहीं, बाबा अपने एक दोस्त से मशवरा करने गए जो पहले पुलिस में थे। भाई, अदील, भाई, अदील, क्या हुआ? अम्मा, अदील, भाई, या अल्लाह, अरे जल्दी लाओ, बैठ, बैठ जा मेरा बच्चा, अरे, अरे क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का? आप ठीक तो हैं? तू जा, जल्दी से दूध में हल्दी डाल के ला। जी अम्मा। अदील, क्या हुआ यार? ये सब कैसे? कुछ नहीं यार, छोटा मोटा झगड़ा हो गया। खाला, आप देखें, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। अरे खुदा गारत करे जालिमों को, अरे मेरा बच्चा, अरे माँ जिद के जाए, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा। क्या हुआ इसे, कहाँ था ये? पता नहीं, बीबी,
आज से तुम हमारी मेहमान हो। हाँ मालिकन, नहीं है। हाँ रुको, मैं देखता हूँ, मालिकन से बात कराता हूँ। ये आ गई मालिकन, बात करो। कौन है? सुल्तान को फोन है मालिकन। सुल्तान? हाँ सुल्तान, यहीं रहने दो इनको। हाँ बोलो। मालिकन आपका काम हो गया। अच्छा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? गड़बड़ मालिकन, सुल्तान कच्चे काम नहीं करता। कहाँ रखा है? अपने डेरे पर। ठीक, मेरे अगले फोन का इंतजार करना, और अगर कोई खतरा महसूस करो तो जबान बंद कर देना। बड़ी जिद्दी औरत। देखो, हमें कानून के कटहरे में खड़ा करना चाहती है। जो कानून बनाने वाले हैं उन्हें कानून के कटहरे में खींच रही है। बदतमीज औरत। नहीं नहीं, परेशान मत हो, जिंदा है अभी। लेकिन देखो ना, कल अदालत में समाहत है, और अगर वो अदालत में पेश हो जाती तो मसला खड़ा हो जाता ना, है ना? मेहमान है हमारी, कुछ नहीं कहूंगी इसको। लेकिन अगर जिद करती रही तो जानते हो ना तुम क्या करूंगी मैं। ऐसे भी मुजफ्फर खान, तुम भी तो यही किया करते थे ना, इसी तरह लोगों को गायब करते थे, कब्रिस्तान भरा पड़ा है नामालूम कब्रों से। एक और से इंतजार करो फैसले का। फैसला? कौन सा फैसला? यही कि तुम्हें रिहा करने या मार दे। आप यहां? हेलो, गुड जॉब। क्या वो अगवाकारों का पता चल गया सर? महल मना रहे, लाख बना ले, महल मना रहे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क तब दे आप पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। सब कुछ है यही रह जाना, जिद बना दे, जीद करा दे यार।